नमस्कार दोस्तों, YouTube के एनएल टेक्निकल चैनल में मैं अनिल बिरारी आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह मैं आपके लिए ले आया हूँ एक बेहतरीन वीडियो। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपस्टॉक के अंदर ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपको लगने वाला है इंट्राडे में या डिलीवरी के अंदर। जब आप कोई ट्रेड करते हो, कोई ट्रेड लेते हो, तो आपको कितना चार्जेस लगेगा, या आप ब्रोकरेज एडवांस में आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि मुझे अगर आप 10 क्वांटिटी उठाते हो, 100 क्वांटिटी उठाते हो, तो कितना चार्ज लगेगा। ये सारा आप एडवांस में देख सकते हो, और भी बहुत ही बेहतरीन है, जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले ये सब जान के ढूंढ सकता है और ले सकता है। तो इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, देख के चले जाते हैं दोस्तों। और मैं जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऑप्शंस के रिगार्डिंग बहुत सारे कोर्सेस और ऑप्शन के मास्टरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन क्लिक करें, ताकि ऐसे की वीडियो आपको मिस ना हो सके। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे मैंने यहाँ पर ऑप्शंस की सीरीज, ऑप्शंस के स्ट्रेटजीज और सीक्रेट ऑप्शन चेन मैंने किसे एनालिसिस करना है उसके सीक्रेट, और किस तरह से ऑप्शन का पूरा कोर्स यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो ये सारी वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन और क्वालिटी वीडियो दोस्तों, इसको आप एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। ओके, तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर आपको जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल पे सर्च करना है ब्रोकरेज कैलकुलेटर, अपस्टॉक ब्रोकरेज कैलकुलेटर। जैसे आप विंडो ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेरेंस ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको इंटरफेरेंस आ रहा है यहाँ पे दो तरीके का। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक यहाँ पे इंट्राडे है और यहाँ पे एक डिलीवरी है। ठीक है, दो तरीके से आप इंट्राडे या डिलीवरी में, आप जो भी, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो आप इंट्राडे का सर्च करेंगे, और डिलीवरी में अगर ट्रेड करते हो तो आप डिलीवरी का सर्च करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप, मैं फिलहाल मैं अभी इंट्राडे के लिए अभी देखता हूँ कि इंट्राडे में हमको कितना चार्ज लग सकता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च बार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, जो स्टॉक के अंदर या जिस भी इंडेक्स के ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हैं उसका यहाँ पर सर्च करना है। जैसे कि यहाँ पर उसका कोड सर्च करना है, जैसे कि SBI मैंने यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, SBI। तो SBI के अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इक्विटी के अंदर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली NSE के ऊपर जाना है, SBI NSE, जस्ट टू मिनट, SBI NSE। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च करने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी पूछेगा कि आपकी क्वांटिटी कितनी है और आप कितने में बाय करेंगे, कितने में सेल करेंगे। तो ये जस्ट मैं यहाँ पर डालता हूँ, मैं यहाँ पर समझो 500 क्वांटिटी में बाय करना चाहता हूँ। ओके, और यहाँ पे बाय करूँगा मैं 550 के ऊपर, और मेरा टारगेट रहेगा सिर्फ 5 रुपीज़, यानी 555। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कितना आपको चार्ज लगने वाला है। जैसे कि यहाँ पे ब्रोकरेज आपको लगेगा 40 रुपये, बाय और सेल का दोनों का आपको ब्रोकरेज 40 रुपये लगेगा। उसके बाद अदर चार्जेस आपको लगने वाले हैं 107.97, ब्रेक इवन रहेगा आपका 0.30 पैसा, एंड नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर, अगर आप 500 क्वांटिटी आप उठाते हो और आपको टोटल जो प्रॉफिट आपको होगा यहाँ पे 2352 रुपये। ठीक है, यहाँ पर देखो ब्रोकरेज जो दोस्तों यहाँ पर आपको उसका डिस्क्रिप्शन पूरा दिखा, आपको जो उसका जो पूरा ब्रेकअप है ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर, कि आपने नेट वैल्यू जो बाय की है 2,75,000 और नेट सेल वैल्यू की है 2,77,500। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि STT जो है, सर्विस ट्रांजेक्शन टैक्स, वो आपको लगेगा नियर अबाउट 69 रुपीज़। ट्रांजेक्शन चार्जेस की अगर बात करते हो तो 19 रुपये आपको लगेगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं स्टैम्प ड्यूटी एंड SBI टर्नओवर, सेबी टर्नओवर, जो कि 0.55 पैसा, स्टैम्प ड्यूटी लगेगा 8 रुपये, और GST भी आपको लगता है यहाँ पर 10 रुपये। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर टोटल टैक्सेस मिलाकर आपको 147 आपको यहाँ पर चार्जेस लगने वाले हैं, ये आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। उसी तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें कोई दूसरा अगर स्टॉक लेना है या दूसरे स्टॉक में देखना है, जैसे कि आप कोई इंट्राडे में बैंक निफ्टी करता है तो हम बैंक निफ्टी का भी यहाँ पर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर आप फ्यूचर या जो भी आप कॉल ऑप्शन में करते हो, अभी बैंक निफ्टी का अगर हम कॉल ऑप्शन करते हैं यहाँ पर, ठीक है, बैंक निफ्टी का अगर कॉल ऑप्शन देखते हैं हम लोग, अभी मार्केट चल रहा है फिलहाल 40,600 के ऊपर। ओके, तो हम 600 का कॉल देख लेते हैं बैंक निफ्टी का 2 फरवरी का, 40,600 का कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी इसकी कितनी खरीदने वाला हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकेंगे, अगर मैं 5 लॉट की बात करूँ, सर 4 लॉट बात करते हैं अपन, 100 क्वांटिटी उठाता हूँ, और उसके अंदर मैं उसकी बाइंग करूँगा 450 रुपये, ओके, 450 से, और उसका मेरा टारगेट रहेगा 50 पॉइंट, यानी 500 रुपीज़ मेरा टारगेट रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या देख सकते हैं, आपको यहाँ पर आपको क्या आ रहा है, ब्रोकरेज लगेगा सिर्फ आपको 40 रुपये, उसके बाद में आपका अदर चार्जेस जो कटेगा वो 93 रुपीज़ कटेगा, उसके बाद में ब्रेक इवन आपका रहेगा 1.33 रुपीज़, एंड नेट प्रॉफिट आपका जो होगा दोस्तों 4,866 रुपीज़। ओके, उसका ब्रोकरेज आपको पूरा डिटेल जो उसका
बाइफर्केशन है वो आप देख सकते हो। ब्रोकरेज आपको लगेगा 40 रुपया, एसटीटी जो है सर्विस ट्रांजेक्शन टैक्स जो दोस्तों वो आपको लगेगा 25, उसके बाद में ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको लगेंगे 50 रुपये, डीपी चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी आपको 1 रुपये लगेगा, और सेबी टर्नओवर 0.10 और जीएसटी अगर होते दोस्तों यहाँ पे 16 रुपये। इस तरह से आपको टोटल अगर काउंट करूँ तो यहाँ पर टोटल आपको मिलेगा 133.08 रुपीज़, आपको इतना चार्जेस आपको लगने वाला है। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो, क्या कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करते हैं उसे आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों और एक मैं लास्ट एक वो भी एक स्टॉक लेता हूँ, फ्यूचर अब देखते हैं हम लोग। फ्यूचर यानी मैंने कैश का दिखाया आपको, उसके बाद में आपको मैंने ऑप्शन का दिखाया, अभी फ्यूचर का देखते हैं हम लोग। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ, बैंक निफ्टी फ्यूचर, ठीक है, तो आपको यहाँ पर डालना है, सर्च करना है बैंक निफ्टी फ्यूचर, ठीक है। बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर यहाँ पर मैं 23 फरवरी का फेब्रुवरी का फ्यूचर देख रहा हूँ, तो ये फेब्रुवरी के फ्यूचर के अंदर देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं एक क्वांटिटी उठाता हूँ, जैसे कि एक लॉट में बाय करना चाहता हूँ फ्यूचर का, और मेरा उसमें टारगेट रहेगा जैसे कि अभी 40,500 का, 40,500 का फ्यूचर यहाँ पे 500 से बाय करना चाहता हूँ, और यहाँ पर 40,600 पे मैं सेल करना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। 100 पॉइंट अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपको जो ब्रोकरेज लगने वाला है या जो चार्जेस आपको लगेंगे फ्यूचर के अंदर, तो आपको 40 रुपये यहाँ पे ब्रोकरेज लगेगा बाय सेल दोनों के लिए। 179 आपको यहाँ पर अदर चार्जेस लगेंगे, जैसे कि ब्रेक इवन आपका रहेगा 8 रुपये, टोटल आपका पी एल एन रिपोर्ट रहेगा 2,280 रुपीज़। जो ब्रोकरेज का आपको बाइफर्केशन देखेंगे आप, तो यहाँ पर आप टोटल क्वांटिटी बाय कर रहे कितना हो रहा है आपका, टोटल 112,500, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 40 रुपये आपको ब्रोकरेज लगा, एसटीडी लगेगा जो सर्विस ट्रांजेक्शन टैक्स हमने देखा जो लगेगा आपको 101 रुपये 50 पैसे, ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको लगेंगे 40 रुपये, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी आपको यहाँ पे लगने वाली है 20 रुपये, और सेबी टर्नओवर 2 रुपया, और यहाँ पे जीएसटी आपको लगेगी 14 रुपये 86 पैसा। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल आप देख सकते हो 219 रुपये आपका यहाँ पे कटने वाला है टोटल, यानी अगर आप एक फ्यूचर बाय करते हैं यहाँ पर, ओके, अगर आप एक फ्यूचर आपको यहाँ पर आपको बाय करना है तो इतने चार्जेस आपको यहाँ पे देने पड़ सकते हैं आप स्टॉक के अंदर। तो ये दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर एक कैश के हो सकते हैं, कैश सेगमेंट में काम करते हो या फ्यूचर यानी ऑप्शन में काम करते हो, तो आपको यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हो, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कितना क्वांटिटी करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बारीकी से देखेंगे तो आपको पूरा आपको व्यूरा उसका मिल जाएगा। आप आसानी से मुझे कितना ब्रेक इवन पॉइंट रखना है, मेरा टारगेट कितना रखना है, कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये सारा कैलकुलेशन करके आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। दोस्तों ये हो गया इंट्राडे के लिए, अब हम बात करेंगे थोड़ा डिलीवरी के लिए भी, हम देख सकते हैं डिलीवरी के लिए अगर बात करूँ, डिलीवरी में अगर हम फ्यूचर की ही बात करते हैं फ्यूचर की, तो देखो जितना इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है कुछ भी, ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर इतना कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एसटीटी कितना लग रहा है 101 रुपये, ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको लग रहा है 40 रुपये, सेबी टर्नओवर 2 रुपया, और जीएसटी आपको लग रहा है यहाँ पर 14 रुपये, स्टैम्प ड्यूटी आपको लगेगा 20 रुपये। तो दोस्तों इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो ब्रेक इवन आपका रहेगा 8.77 रुपीज़, टोटल आपको प्रॉफिट होगा यहाँ पर 2,280 रुपये, और यहाँ पे 219 रुपये आपको यहाँ पे फ्यूचर के लिए अगर डिलीवरी में करते हो तो डिलीवरी के लिए लगने वाला है। और उसी तरह दोस्तों हम लोग एक कोई भी स्टॉक देख लेते हैं, ओके, अगर स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक में भी डिलीवरी के अंदर कितना चार्ज लगता है आप ये देख सकते हो यहाँ पर। मैं SBI का ही एग्जाम्पल लूँगा, SBI, ओके, तो SBI के अंदर समझो यहाँ पर आप कोई भी स्टॉक ले रहे हो डिलीवरी के अंदर, यहाँ पे समझो मैं क्वांटिटी उठा रहा हूँ, समझो 500 क्वांटिटी, और मेरा बाइंग प्राइस रहेगा 550, और मेरा टारगेट रहेगा दोस्तों एक शेयर के पीछे 30 रुपये, यानी मैं से समझता हूँ कि 580 मेरा टारगेट रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि जो आपको यहाँ पे जो टैक्सेस देने पड़ रहे, जो डिलीवरी के अंदर आप देना चाहते हो देने पड़ रहे, तो देखिए कितना ब्रोकरेज उतना ही लग रहा है आपको 40 रुपये, सर्विस ट्रांजेक्शन टैक्स होगा आपका 565 रुपीज़, और ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको लगेगा 19 रुपये, डीपी चार्जेस आपको लगेगा 18 रुपये, स्टैम्प ड्यूटी लगेगा 41 रुपीज़। तो देख सकते हैं आप लगभग आपको यहाँ पर जो डिलीवरी के अंदर आपको चार्जेस ज़रा ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि एज ए कम्पेयर टू इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पर आपका ब्रेक इवन रहेगा 1.40 पैसा, और टोटल प्रॉफिट एंड रिपोर्ट आपका रहेगा 14,301 रुपये, बरबर। तो दोस्तों इस तरह से आपको टोटल लगने वाला है 6,698.95 रुपीज़। तो ये दोस्तों आप आसानी से, बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, और इस यहाँ पर आपको जो भी इंट्राडे करना है, डिलीवरी करना है, जो भी है यहाँ पर आप ब्रोकरेज का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, तो वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा,
और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आने वाले समय में मैं बहुत सारे ऑप्शंस के रिगार्डिंग मास्टर कोर्सेस यहाँ पे डालूंगा, तो जरूर उसका बेनिफिट उठाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, धन्यवाद।